Hello friends, welcome to another fresh episode of Tech with TG, your ultimate destination for everything related to tech. और ये एक ऐसा शो है जहाँ पे हम हर बार एक नए सफर की शुरुआत करते हैं ऑन आर वे टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट सम न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन आर वे. और अगर हम खैर सफर की बात कर ही रहे हैं, हु डजंट लाइक रोड ट्रिप्स, स्पेशली द लॉन्ग वंस. अब देखो, मजा तो बहुत ज्यादा आता है, बट एट द एंड जब आप फ्यूअल कॉस्ट निकालते हो तो कई बार थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है बिकॉज इट्स अ लॉट. The main reason we are using the traditional cars, जहाँ पे पेट्रोल या डीजल हमको भरना होता है. You know what? Cars में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेजी से आ रही है. We see all these crazy cutting-edge tech features in all the latest vehicles. और एक जो नई breed develop हो रही है, it is my personal favorite because यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिजली की. टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे आर सुपर फास्ट, दे डोंट प्रोड्यूस एनी एमिशंस, कोई यहाँ पे शोर शराबा भी नहीं होता है, एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट एज वेल. तो गाइज, ईवी की स्पीड से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टेक अ डाइव इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिस वीक्स टेक विद टीजी. हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, एके टेक्निकल गुरुजी. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. ओके, तो चलो गाइस अभी काम की बात करते हैं. आई मीन फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम हम लोग ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल कार्स को और व्हीकल्स को यूज करते आ रहे हैं. ऑल नाइस टू ड्राइव, ऑल द सेंस ऑफ पावर, द थ्रिल, सब कुछ बहुत मजेदार है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट वी लीव बिहाइंड वंस वी ड्राइव अहेड इज दिस थिक बबल of all dangerous gases coming out of our exhausts. अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन और टू कार्स, इट्स अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्स ऑन अ ग्लोबल स्केल. अब आप इमेजिन करो इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, लाइक मुंबई, जहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं और पीछे जो ये एमिशंस छोड़ती जा रही हैं, हाउ डेंजरस इट इज़ फॉर द एनवायरमेंट. Imagine this being like an invisible blanket around our planet. और उससे क्या होता है, the heat gets trapped. हम बात करते हैं global scale पे about rise in the global warming, temperatures बढ़ रहे हैं, glaciers are melting, climates are changing all here and there, and it's not really a sustainable solution for a long term. मतलब मजा तो बहुत आता है, but if you just do a little bit of thinking, आपको मालूम चलेगा कि यार कितना negative impact है इन सभी vehicles का हमारे planet पे. And second fact that ये जो fuels हैं, ये कौन सा हमेशा रहेंगे? There would be a day जब खत्म हो जाएगा पेट्रोल या डीजल, जो भी हम आज यूज कर रहे हैं, उस दिन क्या होगा? So we definitely had this need to develop something as an alternative, and not just any alternative, I would say a sustainable alternative. और यहां से शुरुआत होती है about electric vehicles. Guys, while we speak about EVs, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बिजली तो वो यूज करते ही हैं और ये बिजली कहीं से तो आएगी ही. Well, the best part is that we can generate electricity using sustainable sources and renewable sources. Things like solar energy, things like wind energy, things like hydro energy. मतलब हम बिना environment को नुकसान पहुंचाए भी बिजली को produce कर सकते हैं, और उस बिजली से we can drive our electric vehicles. Now imagine if you have an EV and the energy that is being used to charge the battery is coming from a solar panel. At the end, it's complete circle of sustainability कि आप solar energy को use कर रहे हैं to charge your batteries, and once you charge it up, जब आप गाड़ी को चलाते हैं, उस time पे the car is not impacting the planet in any negative way. तो ये मैं बोलूँगा EVs के लिए एक बहुत अच्छा plus point है. Well, पता है minus point क्या था? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के करंट स्टेट में कुछ चैलेंजेस हैं. डिस्पाइट एडवांसमेंट्स, बैटरी टेक्नोलॉजी अभी भी स्ट्रगल करती है विद इश्यूज जैसे कि लिमिटेड रेंज, रेंज एंजाइटी और डेग्रेडेशन ओवर टाइम. इवन दो रनिंग कॉस्ट कम रहते हैं, हाई अपफ्रंट कॉस्ट कुछ कंज्यूमर्स को रोक देते हैं फ्रॉम परचेजिंग दीज कार्स.
Additionally, when we say that EVs are environmentally friendly, the batteries like lithium-ion batteries के production की sustainability and pollution को question किया जा सकता है. Materials जैसे lithium और cobalt की mining, साथ ही energy-intensive manufacturing processes काफी ecological concerns pose करते हैं. इन चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है फॉर वाइडस्प्रेड ईवी अडॉप्शन और एक सच में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर के लिए. नाउ गाइस, बिलीव इट और नॉट, ईवीज की शुरुआत अभी कल परसों नहीं हुई है. वी गो बैक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, क्योंकि जब 1834 में इलेक्ट्रिक मोटर को इन्वेंट किया गया, विद टाइम द आइडिया केम इन ऑफ यूजिंग दिस मोटर इन अ व्हीकल. आई मीन, बहुत सारे इन्वेंटर्स ने अलग अलग आइडिया सामने रखे. द आइडिया was to have this car जहाँ पे motors से wheels में energy जा रही है and we can enjoy एकदम smooth, noiseless ride. But then in parallel, the traditional internal combustion engines वाली जो गाड़ियाँ थी वो भी develop हो रही थी and they got more popularity because it was easier. At the same time, the oil was discovered. मतलब you know how it was. But उसके बाद क्या हुआ? फास्ट फॉरवर्ड, कैलिफोर्निया में थोड़ा सा एक थॉट डेवलप होता है अबाउट दिस एनवायरमेंट एंड वहां पे द आइडिया वॉज दैट हाउ डू वी मेक द एयर क्लीनर. एंड विद टाइम शुरुआत होती है बहुत सारी कंपनीज की, ब्रांड्स लाइक टेस्ला. उस टाइम पे ईवीज वर नॉट रियली अ थिंग ऑफ द पास्ट. उस टाइम पे ईवीज वर ऑल लाइक नो पैक्ड विद टेक्नोलॉजी, दिस हाई एंड हाई परफॉर्मेंस, पैक्ड विद फीचर्स, एक ऐसी कार जिसको हर कोई लेना चाहता है. विद टाइम केम द डेवलपमेंट ऑफ द चार्जिंग नेटवर्क, कार्स में नए फीचर्स एड हो गए एंड टूडे ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स ग्लोबली, right from here to all the way up here, I mean I'm talking about Rolls-Royce as well, all the brands, they have an electric vehicle in their fleet, well almost. और यहाँ पे अब EV popularity बहुत ज्यादा gain करने वाली है. No, अभी आपके दिमाग में I'm sure क्या आ रहा होगा, you must be comparing कि एक traditional internal combustion engine वाली जो कार है, how does that compare to an EV? I mean, कौन से parts किस गाड़ी में होते हैं, किस गाड़ी में नहीं होते हैं, how exactly is the functionality of a car? अब देखो, पहिए की जगह पे तो पहिए ही रहेंगे, स्टीयरिंग व्हील की जगह पे स्टीयरिंग व्हील ही होगा, दरवाजे अपनी जगह पे हैं, सीट्स अपनी जगह पे हैं, बट द कंप्लीट फंक्शनैलिटी और आई वुड से द कंप्लीट साइंस बिहाइंड दैट कार इज वेरी डिफरेंट. अगर हम कंपेयर करते हैं एक ईवी को एक ट्रेडिशनल कार से, तो व्हाट हैपेंस इन ट्रेडिशनल कार, बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ रोटेशनल फोर्स. मतलब जो आपका फ्यूल है उसमें आग लगी, अ वेरी कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन अक्रॉस मल्टीपल सिलेंडर्स ऑफ द इंजन, वहां से पिस्टन मूव करता है, आप क्रैंकशाफ्ट के थ्रू पावर को आगे भेजते हैं, देन यू हैव अ ट्रांसमिशन, उसके बाद में इवेंचुअली जो पावर है वो आपके व्हील तक जाती है और पहिया घूमता है. इट हैज लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, हर एक गाड़ी पे डिपेंड करता है, मे बी योर्स इज अ फोर सिलेंडर और मे बी अ सिक्स सिलेंडर और मे बी अ V12. आई मीन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑल टुगेदर, और जितने ज्यादा पार्ट्स हैं मेंटेनेंस उतनी ही ज्यादा है और खराब होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है. इफ यू लुक अबाउट एन ईवी, इट्स वेरी सिंपल. It has a huge array of battery cells, मतलब battery तो चाहिए of course, and then there's a motor. तो basically there's a power controller जो battery से power लेता है, motors में power भेजता है, and these motors, you know, they work on the principle of electromagnetism, जहाँ पे बड़े आराम से motor घूमती है और साथ में आपका पहिया भी घूम जाता है. Now guys, because यहाँ पे बहुत कम parts होते हैं, chances of any wear and tear or maybe any maintenance is very low compared to a traditional car. और मजे की बात, these EVs they are very smart because they have something called as regenerative braking, जिसमें concept कुछ ऐसा है कि जब आप car को रोकते हैं तो उस टाइम पे दिस मोटर बैटरी में पावर को वापस भेज देती है फॉर यू टू गेट सम मोर रेंज, सम मोर कैपेसिटी फ्रॉम दैट सेम बैटरी दैट यू हैड. तो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर, बट मैं इतना बोलूंगा दैट ईवीज आर मोर सिंपलर एट द सेम टाइम मच मोर एफिशिएंट एज वेल. बट सबसे बड़ा सवाल,
नॉर्मल कार्स के लिए यू हैव एन अरे ऑफ पेट्रोल स्टेशन ऑल अराउंड द कंट्री जहां पे आप बड़े आराम से जाते हैं और बोलते हैं भैया टैंक फुल कर देना। ईवी को भरेंगे कहां पे? ब्रेक के बाद आपको बताने वाला हूं दैट हाउ एग्जैक्टली इज द करंट सिचुएशन ऑफ ईवीज राइट नाउ इन द कंट्री एंड हाउ डज द फ्यूचर लुक लाइक। एवरीथिंग कमिंग अवे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू योर फेवरेट शो अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स टेक विद टीजी, जहां मेरा नाम है गौरव और आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे अबाउट ईवीज, यस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब सवाल ये है दैट ईवीज हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली आर द सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट ईवीज बिकम अ ह्यूज सक्सेस। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जरा उन पे ध्यान देना बिकॉज आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हो। सी, सबसे पहले व्हाट वी नीड इज बेस्ट इन क्लास पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क, क्योंकि नॉट नेसेसरीली आप ईवीज को अपने घर पे चार्ज कर पाएंगे या अपने ऑफिस में चार्ज कर पाएंगे। कर सकते हैं बट देन चांसेस आर नॉट रियली इन योर फेवर। तो व्हाट वी वुड नीड इज अ नेटवर्क जहां पे हमको पता है दैट यस We have multiple charging stations spread across the cities, across the country. जैसा जब आप घर से बाहर निकलते हो and you are certain कि आपको petrol pump तो मिल ही जाएगा, you know, every few kilometers, we need the kind of network. Same thing for the EVs as well. Second thing, it's not just about charging, it's about green charging. अगर आप कोयला जला के बिजली बना रहे हो और उस बिजली से अपनी EV को चार्ज कर रहे हो, इट रियली डिस्ट्रॉयज द पर्पज। सो कितना अच्छा हो अगर हम सोलर एनर्जी को या विंड एनर्जी को यूज कर पाए टू चार्ज दीज ईवीज। इमेजिन अ स्मॉल चार्जिंग नेटवर्क जिसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं और वो वहीं से उस बिजली को प्रोड्यूस करता है जिससे इवेंचुअली वो ईवीज को चार्ज करता है। हाउ सस्टेनेबल, वी नीड मोर ऑफ दीज स्प्रेड अक्रॉस। अगेन एज ए से बहुत ज्यादा होने चाहिए एंड नॉट जस्ट दैट, we also need to think about our villages as well, because EVs na sirf Delhi ya Bombay mein chalne wali hain, wo hamare pure desh bhar mein chalne wali hain. We need to develop Bharat that way ki hamara country ek EV friendly country bane. अब उसके लिए अगर हम बात करते हैं विलेजेस की, तो यहां पे पावर कुड बी अ चैलेंज, बट देन अगेन एज आई सेड दीज स्टैंड अलोन मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स जहां पे दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी माइट कम इन एज अ नाइस सॉल्यूशन। इसके अलावा आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट टू बिगिन विद, बट इट ऑल्सो नीड्स टू इन्वेस्ट लॉट मोर टूवर्ड्स ईवीज। पॉलिसीज लाइक हो सकता है इन द फ्री वेज यू वुड हैव ईवी डेडिकेटेड लेन्स जहां पे आपको प्रायोरिटी मिल जाए, यू वुड एंजॉय दैट, और मे बी सम मोर इंसेंटिव्स ऑन परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, या मे बी गिविंग सम इंसेंटिव्स टू ब्रांड्स हु आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर देयर ईवीज। इफ देयर इज अ नाइस इकोसिस्टम ऑल टुगेदर फ्रॉम द गवर्नमेंट, वहां से भी ईवी को बहुत ज्यादा पुश मिलेगा। And at the end, it's not just about the government, it's also about the private players as well. Because unko bhi steps lene honge, ensuring ki humko all together ek bahut achha EV ka ecosystem mile. So definitely need to have private players jo invest karenge in developing all these charging networks, maybe developing the cars themselves, so that all together we have a robust network. Now friends, just think about it, ki jab ye EVs ko leke hum kaafi developments कर लेंगे एंड ऑल टुगेदर जब हम देखेंगे रोड्स पे काफी सारी ईवीज को चलते हुए, इट वुड एड इन टू आवर कंट्रीज इकोनॉमी। हमको उतना फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज एज अ कंट्री वी इंपोर्ट दीज फ्यूल्स। हम वहां पैसे बचाएंगे, वो पैसे हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, मे बी इन डेवलपिंग इवन अमेजिंग रोड्स, यू नो हाउ गुड रोड्स वी हैव दीज डेज, तो वो और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। मनी इज सेव्ड एट द एंड, वी एज कंज्यूमर्स वी वुड स्पेंड अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वी स्पेंड टुडे। आज हम जितना खर्चा कर देते हैं ऑन आवर फ्यूल्स, With EVs, it's very economical. It's good for the environment, it's good for us, it's good for everyone. And that's why I say that EVs, they need to be the future. Now guys, speaking of EVs, this is what I drive on
most regular times. I mean, this is the all new Audi Q8 e-tron. And मैं बोलूँगा इसने मेरी लाइफ में एक नया चेंज ला दिया, बिकॉज वेन एवर आई एम ऑन द स्ट्रीट्स आई फील दैट आई एम नॉट एडिंग टूवर्ड्स द पोल्यूशन. आई एम ड्राइविंग अ कार विच इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक एंड आई एम चार्जिंग दिस कार यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ सोलर पैनल्स. सो बेसिकली मुझे पता है दैट नंबर वन, दिस इज नॉट टू एक्सपेंसिव टू ड्राइव, एट द सेम टाइम इट्स सस्टेनेबल फॉर द एनवायरमेंट एज वेल. And guys, to be honest, trust me, before I made this jump towards EVs, even I was skeptical ki yaar, power kitni hogi, ya range kitni hogi, ya charge karne mein time kitna lagega. But let me tell you, this car completely changed the perspective. I mean, the range of more than 450 kilometers, and no matter how I push it, it's very good for city drives and in fact for highways as well. At the same time, guys, the power that this car has feels nothing short of a supercar, to be honest. At the same time, yahan pe the fast charging, if I am using it as a fast charger, in within 30 minutes, it can go from 10% all the way to 80%, which is really phenomenal. And I mean, just look at it. It looks like a normal car, looks like a typical car, but the magic is all inside, because andar se it has no engine. It has no moving parts. It is essentially an electric car with batteries and motors put together. So guys, this is what the future looks like. This is what we all should aim for. That going forward, we should have more and more EVs. We should have more and more of these charging networks. Taki hum sab log ek saath environment ki taraf kuch interesting kar paye. And as a fact, let me tell you, if you are thinking that EVs are really expensive, well, that's not the case, because you have options available across the price range. Aapko budget mein car chahiye, wahan pe bhi you can get an EV. If you want a premium flagship experience just like this, the all new Q8 e-tron, you have EVs in this segment as well. So aapke upar depend karta hai the kind of car you want to buy. You have all the options available, and if you take this small step, with all of the steps combined jo hum sab milke lene wale hain, will definitely create an impact, aur shayad hum environment ko aur acche se protect karte hue hamari jeb mein rakhe paison ko bhi protect zarur kar payenge. So guys, there you have it, everything about EVs in this week's episode of your favorite show Tech with TG. If you have any suggestions, any feedbacks, any questions, you know the email, it's tg@ndtv.com. Stay tuned, मुझे ईमेल भेजना, मैं उनकी ईमेल का रिप्लाई भी करूंगा और आपके लिए प्रिपेयर करूंगा अगले वीक से पहले एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड जिसको आप एंजॉय कर पाएंगे अपने स्क्रीन पे. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक, हैव अ गुड डे.